हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी टाइम हो गया है, 11 बज गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं बुकिंग के लिए, बिकॉज आज मेरी बुकिंग है, ब्राइडल बुकिंग है एंड पार्टी मेकअप से मेरे। तो हमें जाना है महेंद्रगढ़। हमें 3 घंटे लगेंगे और वहाँ पे हमारे मेकअप स्टार्ट है 2 o'clock। तो अभी हम निकलते हैं और मैं अभी प्रॉपर रेडी स्टूडियो जाके आऊँगी, बिकॉज अभी तो मैं जल्दी बस मैंने अपनी ड्रेस डाली एंड मेकअप मैं स्टूडियो जाके करूँगी और उसके बाद हम 10-15 मिनट में हम स्टूडियो से निकलते हैं। अभी डेजी को भी छोड़ना नानी हाउस। सो अभी हम हो गए रेडी और अब हम निकलते हैं अपनी बुकिंग के लिए, अपने मेकअप के लिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी डेस्टिनेशन या फिर रास्ते में। अभी मेरे को वहाँ पहुँचने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, तो हम अराउंड 2 या 2:30 के अराउंड पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हमारे मेकअप से है, उसके बाद हमारी हम वापस पता नहीं कितने बजे तक फ्री होंगे। तो जैसा भी होगा हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे। सो ये है मेरी आज की लुक। कितने का है ये? 2 है 250 रुपए। भैया बहुत ज्यादा महंगे नहीं लगा रहे? महंगाई है ये पूरी बाल्टी देख लो, 1500 रुपए। एक पकड़ो, एक 130 का, 130 का एक है। देखो एक बंच तो ये महंगा है, इसका बंडल एक ये दे दो। और रोजेस भी आपके पास? हाँ रोजेस भी हमारे पास। कितने रुपए का एक फ्लावर लगाया है? 40 का, नहीं कम, 10 रुपए कम कर दिया। देखो कितने का बताया तुमने? 150 के। 4 भैया कितने हो गए हैं आपके? पेपर पे दोगे? नहीं पेपर पे दे दो भैया, दो जगह अलग अलग डाल देना। भैया और भी पीसेस कर दो इसके। आज यहाँ का गोलगप्पा टेस्ट करेंगे हमारी मैम। स्पेशल गुड़गांव से महेंद्रगढ़ छोटा दी लंबा दी। तो अभी हम आ गए थे लोकेशन पे एंड अभी हम क्लाइंट का वेट कर रहे हैं, बट उनको भी आई थिंक टाइम लगेगा आने में। इतने बना हमने अपना जो मेकअप का सामान था उसका सेटअप किया है, उसको जैसे ही क्लाइंट आते हैं हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे। जूलरी आपकी आ गई? फिर भी कुछ थोड़ी बहुत चॉइस आपकी, आपको ऐसा चाहिए? थोड़ा बहुत ना हैवी वाला नहीं चाहिए, ठीक है? थोड़ा कि चमकी आईज ग्लिटरी आए वो मत देना।
अच्छा आपके सामने ही मतलब जो ये आपका राज कुछ करके है यहाँ से आपका पूछा करते हैं वहाँ से। ये तो मुझे वैष्णवी ने बताया था आपका, तो अदरवाइज उधर एक जयकमपुरा साइड मोनिशा नहीं है उधर, उसी से होते हुए वो भी विश्व की फ्रेंड ने बताया था आपका। जयकमपुरा में कहाँ पे इनका इनका उधर है करिश्मा का बताया था इनका वो न्यू कॉलोनी सेक्टर 4 के पास है। अच्छा तुम जयकमपुरा कह रहे थे? नहीं नहीं मैं मोनिशा का बता रही हूँ। अच्छा नहीं ऐसे ना शानू हमारे घर में शादी है देवर की 12 मार्च की। अच्छा 9 मार्च का उसका लगन है तो हमारे 2 मेकअप है मेरा तो फिक्स है मेरा भी मैं तो आशा खत्म हो जाएगा विश हो जाएगी सच में। मैं तो विश और शानू को देखते बोल देता अरे वाह यार तो दिखे ना मेरे अपना बाल बहुत हल्के हैं तो टेंशन ना दिखे ना हाँ बस इतना करना क्योंकि बाल बहुत हल्के हैं ना और अच्छे से सेट रहे हाँ कि ना बचा ना किसी को बचा नहीं और बदल Oh,
अच्छा आज इनका रेड रेड बिल्कुल रेड रेड लहंगा है ना, तो आज लुक है कुछ ना। हाँ तो आज आप ऐसा कुछ, हाँ सुंदर है, बहुत प्यारा है, डिफरेंट है, डिफरेंट लुक है। अच्छा ये हो गया ना, तो आज आज आपका वो चीज़ें क्लियर कर देंगे, कांग्रेचुलेशंस कर दें। अच्छा अभी तक नहीं हो रहा था, ठीक है नहीं कर सकते। मम्मा मेरे को दिखाना, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ एंड ऑलमोस्ट जो मुझे लुक चाहिए था मैंने वो अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच। तो अब हम हो गए थे फ्री और अब हम जा रहे हैं घर, और हमारी ब्राइडल बहुत हैप्पी थी, क्लाइंट हैप्पी तो हम हैप्पी। जो उनका मेन इशू था कि उनका जो है एंगेजमेंट का जो है लुक अच्छा नहीं हुआ था, बट उनका जो है ब्राइडल लुक वो बहुत खुश थे।
मतलब जब मेरी ब्राइड मतलब हैप्पी होती है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरी एक अलग ही फीलिंग्स होती है कि मैं बता नहीं सकती, बट आई एम सो हैप्पी। तो अभी हम फ्री हो गए थे, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं और हमें बहुत जोर से भूख भी लगती है, देखते हैं तो कुछ खाते हैं। बट मेरा फ्रेंड सीरियसली वो कंफ्यूज था, बट उनका मेकअप अच्छा नहीं हुआ था मे बी लास्ट टाइम, बट वो है ना, बट उनका मेकअप सीरियसली बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग रहा, वो बहुत प्यारे लग रहे थे, वो मैं आपने देख ही लिया होगा। तो अभी हम निकलते हैं क्योंकि अभी 3 आवर्स का जो है 3 घंटे लगेंगे हमें घर पहुँचने में, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं रास्ते में, कुछ खाना दिया लग तो रहा है, देखते देखते चलते, वीडियो में लग रहा है जंगल। अभी हम आए हैं ओल्ड राव डिनर करने, बिकॉज बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया और मेरे को भी बहुत जोर से भूख लग रही है और इनको भी। अभी हम घर आ गए थे और अभी टाइम हुआ है 1:15, सो बहुत थक गए हैं, बिकॉज जो महेंद्रगढ़ का आने जाने का रास्ता था ना जो, वो बहुत लंबा था, 3 घंटे आने 3 घंटे जाने, और उसके बाद वहाँ पे मेकअप्स भी थे, तो हमने मनीष को भी छोड़ दिया है, चंदा को भी एंड प्रिया को भी, अब डेजी को भी नानी हाउस से ले लिया है। और इस व्लॉग में आपको जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।